की घटना का खुलासा, तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, जेवरात, नकदी व लैपटॉप सहित लाखों रुपए का माल बरामद। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। 25 फरवरी 2022 को थाना मनकापुर क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिल कर्मी पवन कुमार जायसवाल के कमरे से अज्ञात चोरों द्वारा नकदी, जेवरात, लैपटॉप व एटीएम कार्ड चोरी किया गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में मुकदमा अपराध संख्या 52/22 धारा 454 380 भादवी का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने घटना के खुलासे व आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश प्रधान निरीक्षक मनकापुर को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने सुरागरसी पता रसी कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों सुमित पांडे, कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अदद अंगूठी, पीली धातु, अदद एटीएम कार्ड, 1 अदद लैपटॉप में चार्जर, 2700 रुपए नगद व चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी अभियुक्त रजनीश तिवारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सुई धागा, पीली धातु सहित लाखों रुपए का माल बरामद किया गया। अभियुक्त सुमित पांडे व कृष्ण कुमार यादव जनपद में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे तथा चोरी के सामान को थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले रजेश तिवारी को बेच दिया करते थे। अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना मनकापुर में विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु गठित पुलिस टीमों को उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। मनकापुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले चीनी मिल के अंतर्गत आवास में रहने वाले कुछ लोग थे, उनके पास से चोरी की घटना हुई थी। इस चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया गया था। इस घटना को सफलता मिली है खुलासा करने में और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 2 लोग चोरी करने वाले और 1 व्यक्ति जो है वो सामान चोरी का खरीदने वाला वो है। और इसमें जो लैपटॉप चोरी गया था वो बरामद हो चुका है और कुछ गहने थे वो भी बरामद हो चुके हैं और कैश भी मिला हुआ है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा और चोरी जैसी घटनाओं में जो संलिप्त ऐसे लोगों पर अन्य भी कार्रवाई गैंगस्टर इत्यादि की भी कराई जाएगी। यूएफटी लाइव के लिए संवाददाता करीम खान की रिपोर्ट।